पीएम मोदी के भाषण के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ा कैमरामैन। फिर गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान एक कैमरामैन बेहोश होकर गिर पड़ा। यह घटना उस घटी जब पीएम सूरत एयरपोर्ट के एक स्टेशन टर्मिनल की नींव रखने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी के भाषण को कवर करने के लिए कई मीडिया संस्थानों के लोग यहां मौजूद थे। मोदी जब यहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त एक कैमरामैन बेहोश हो गया और नीचे गिर गया, जिसके बाद मोदी ने अपना भाषण बीच में रोकते हुए अधिकारियों से एम्बुलेंस को बुलाने को कहा। कैमरामैन को तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। कैमरामैन का नाम किशन रमोलिया बताया जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं। मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए नोटबंदी पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। उन्हें ये सवाल उन युवाओं से भी पूछना चाहिए जिन्हें नोटबंदी के बाद कम हुई घरों की कीमतों का लाभ मिलना शुरू हुआ है। उस गरीब और मध्यम वर्ग से ये सवाल पूछना चाहिए जिसका घर का सपना अब साकार होना संभव हुआ है।